भाई सेमिनार के योजकों का आभारी हुए। उन्होंने हिंदी से भी जापानीज करने का प्रावधान रखा है और उसके कारण यहाँ जो जापान से इतनी बड़ी संख्या में डेलीगेशन आया है उनको काफी सुविधा रहेगी। मतलब मैं इस सेमिनार का बहुत महत्व समझता हूं क्योंकि हाई स्पीड रेलवे ये विचार नया नहीं है। जैसा माथुर ने बताया 1980 से हिंदुस्तान में इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन अब कुछ सीरियस शेप इसने लिया है। इस सेमिनार के कारण सभी इंस्टीट्यूशंस को सेंसिटाइज करना, सभी स्टेक होल्डर्स को एक्टिवेट करना, कनेक्ट करना, ये अपने आप में आवश्यक होता है और इस प्रकार के प्रयासों से होता है। हम भारत में अकेले बैठकर के भी सेमिनार कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारी सोच और इस काम में हमारे साथ जो पार्टनर कंट्री है जापान, उनकी सोच, हमारी सिचुएशन, इम्प्लीमेंटेशन की हमारी कठिनाइयां, जापान का नो हाउ, उनका एक्सपीरियंस, इन सबको शेयर करने से हम एक अच्छा परफेक्ट मॉडल बना सकते हैं। जिन दिनों जापान ने हाई स्पीड रेलवे की शुरुआत की होगी तब उनको खुद को ही सोच करके इसमें इनिशिएटिव करना पड़ा होगा, लेकिन आज जब हम हाई स्पीड रेलवे की दिशा में जा रहे हैं तब दुनिया के 15-20 प्रमुख देशों ने इस क्षेत्र में काम किया है। हर एक ने अपने अपने तरीके से सिस्टम को इवॉल्व किया है, टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया है, फाइनेंशियल मॉडल्स को बनाया है। तो हमें सबका स्टडी कर करके उन सबसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और उन सबके एक्सपीरियंस के बैकग्राउंड में हम अपना मॉडल विकसित कर सकते हैं जो बहुत सस्टेनेबल हो सकता है। मतलब भारत में गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जिसका जापान के साथ सविशेष संबंध रहा है। पिछले 3 वाइब्रेंट समिट में जापान एक पार्टनर कंट्री के रूप में गुजरात के साथ सक्रिय भागीदार रहा है और एक डेवलप कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री के छोटे के स्टेट के साथ पार्टनरशिप जब करता है तब उसमें बहुत कुछ मैसेज है। वो मैसेज देने में वाइब्रेंट समिट सफल है। गुजरात और जापान के रिश्तों के कारण और विशेष करके वाइब्रेंट समिट, जापानीज कंपनियों का गुजरात आना और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें गुजरात की सक्रिय भागीदारी, प्रोएक्टिव रोल, इन सारी बातों को जापान ने बहुत बारीकाई से देखा और एक प्रकार से गुजरात एक्सपीरियंस से जापान का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है, उसका विश्वास बढ़ा है कि जो गुजरात में यह हो सकता है कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर के हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं। तो एक प्रकार से गुजरात का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जापान का विश्वास जीतने में, पार्टनरशिप करने में और मिलजुल करके फ्यूचर के प्लान करने के लिए
एक बहुत बड़ी अहम भूमिका पिछले कुछ वर्षों में बनी है और उसका लाभ हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट को भी मिलेगा। मतलब जब हम रेलवे की बात करते हैं तो बहुत कम लोगों को पता होगा और मैं चाहूंगा ये चीजें इतिहास में से खोज खोज करके उजागर होनी चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में बहुत लाभ होगा। अंग्रेजों के जमाने में जब हिंदुस्तान में रेलवे का प्रारंभ हुआ तो इतिहास कहता है कि प्रारंभिक रेलवे कंस्ट्रक्शन के काम में ज्यादातर गुजराती लोग इन्वॉल्व थे। इतना ही नहीं, पर्टिकुलरली कच्छ की एक कम्युनिटी जिसने इसमें एक्सपर्टाइज प्राप्त की और पिछली शताब्दी में जब बिगिनिंग था रेलवे का तब उसके सारे कामों को करने का काम और वो स्किल गुजरात के पास थे और पूरी रेलवे की उस बिगिनिंग के काल में इन गुजरात के लोगों की स्किल पर भरोसा कर करके प्रोजेक्ट बनते थे और प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाता था। फार ईस्ट में चले जाए तो भी आपको लगे पता चलेगा कि वहां के रेलवे निर्माण में भी गुजरात के लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था और ये गुजरात की कैपेबिलिटी, इसका प्रभाव इतना था कि जब अफ्रीका में पहली बार रेलवे बन रही थी उस रेलवे के निर्माण के लिए गुजरात से लोगों को ले जाया गया और दुनिया में वो पहली रेल लाइन ऐसी थी जो काफी स्ट्रेट ऊंचाई पर ट्रेन जाती थी, सीधी नहीं। और उस जमाने में, यानी आज 100 साल से अधिक समय हो गया, उस जमाने में गुजरात के कारीगरों के माध्यम से बनी होला वो ट्रेन ट्रैक एकदम स्टीप हाइट पर उस जमाने में ट्रेन को ले जाने की टेक्नोलॉजी में गुजरात का कंट्रीब्यूशन रहा। इसका मतलब ये हुआ, ये सही है कि बीच का कालखंड ऐसा हमारे देश का रहा कि आज हमें इनोवेशंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, आधुनिक विज्ञान के लिए दुनिया के कई समृद्ध देशों से लेना सीखना पड़ता है, लेकिन एक कालखंड था कि हम भी बहुत पोटेंशियल थे। अगर हम इन चीजों को फिर से एक बार हम ध्यान दें तो हमारे डीएनए में तो वो चीजें पड़ी हैं। किसी ने अगर सही खाद पानी डाल दिया तो जरूर वो उर्वरा फिर से एक बार उजागर हो सकती है और देश की विकास यात्रा में हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दूसरी बात है भारत की रेलवे, ये बात सही है जैसा माथुर जी ने कहा कि जो 6 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं हाई स्पीड के, उसमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिक की दृष्टि से फायदा कर कोई जगह दिखती है तो अहमदाबाद मुंबई पुणे हाई स्पीड कॉरिडोर दिखता है। लेकिन 1980 से अब तक ये सिर्फ विचार तक सीमित रहा है। हम भली भांति जानते हैं कि पूरी रेलवे में सबसे ज्यादा इनकम देने वाला कोई एक रेलवे का विभाग है तो पश्चिम रेलवे, वेस्टर्न रेलवे है जो मैक्सिमम इनकम देता है और वेस्टर्न रेलवे में भी अगर मैक्सिमम इनकम रेलवे को कहीं से मिलती है तो अहमदाबाद डिवीजन से मिलती है। इसका मतलब यह है कि गुजरात पहले से ही रेलवे को बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है और थ्रू रेलवे भारत सरकार को भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो एग्जिस्टेंट हमारी जो पोटेंशियल पड़ा है, हमारा जो सामर्थ्य पड़ा है, उस सामर्थ्य को महत्व देते हुए इन चीजों को हम अगर करते हैं तो ये बात निश्चित है कि इसका लाभ बहुत होने वाला है।
फिर एक साइकोलॉजिकल बैरियर रहता है और हमारे देश में ये साइकोलॉजिकल बैरियर सबसे ज्यादा है। हमारे यहां किसी भी योजना का जन्म से पहले भ्रूण हत्या करने में हमारी मास्टर भी योजना को गर्भ में ही मार देना, इतने एनजीओ निकल पड़ेंगे मैदान में, इतने वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप निकल पड़ेंगे, ऐसी भांति भांति की खबरें निकलेगी, ऐसी भांति भांति की डिबेट होगी कि जो नीति निर्धारक है वो डर जाएंगे। उनको लगेगा अरे भाई इसका तो इकोनॉमिक ऐसा बनता है, इससे तो ये होता है, ये कैसे होगा। मैं मानता हूं ये सब होना बहुत डेमोक्रेसी में स्वाभाविक है, लेकिन इन सब पे रहते हुए नेतृत्व का सामर्थ्य उसमें है वो दूर का देखें और दूर का देख करके हिम्मत के साथ इनिशिएटिव लें और नई चीजों को प्रस्तावित करने की दिशा में प्रयास करें। और एक बार कहीं एक एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर सीइंग इज बिलीविंग, फिर सब लोग लग जाएंगे। हाँ मुझे याद है जब हमारे रेलवे में शुरू शुरू में शताब्दी ट्रेनें शुरू हुई थी, बहुत आलोचना होती थी, देखिए सामान्य पैसेंजर के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है शताब्दी, और आज सब दूर शताब्दी की मांग हो रही है और लोअर मिडिल क्लास के लोग भी शताब्दी ट्रेन से जाना पसंद करते हैं। तो कभी न कभी हिम्मत के साथ अगर निर्णय करते हैं तो इस निर्णय का परिणाम होता है। जॉन एफ कैनेडी ने एक मजेदार बात कही थी, उन्होंने कहा था कि वेल्थ नहीं है कि जो रास्ते बनाती है, ये रास्ते होते हैं जो वेल्थ क्रिएट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत होती है। दुनिया का एक बहुत बड़ा उत्तम उदाहरण है जिसकी तरफ हम नजर करेंगे तो उदाहरण है साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया हमारे बाद आजाद हुआ, साउथ कोरिया की इकोनॉमी हमसे कई गुना पीछे थी, लेकिन कुछ वर्ष पहले साउथ कोरिया ने हिम्मतपूर्वक एक डिसीजन लिया था। गरीबी थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, सब बुराइयां थी, लेकिन उस समय के उनके शासक ने एक डिसीजन लिया था कि साउथ कोरिया को नॉर्थ साउथ को जोड़ने वाला एक एक्सप्रेस हाईवे अमेरिका जैसा बना। और जब उन्होंने नॉर्थ साउथ एक्सप्रेस हाईवे बनाने की योजना बनाई साउथ कोरिया में, सारे साउथ कोरिया के नागरिकों ने उनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन, गरीब देश को इतना बड़ा एक्सप्रेस हाईवे की क्या जरूरत है, इतने पैसे क्यों लगाए जाते हैं, लोगों को भी भूखे मर रहे, खाना नहीं मिल रहा, ये क्या कर रहे हो। काफी उस समय के अध्ययन किया जाए, किताबें भी लिखी गई, लेकिन उस समय के शासकों में दम था, उन्होंने फैसला किया नहीं करना है। मित्रों आज साउथ कोरिया विश्व के समृद्ध देशों की बराबरी आकर के बैठ गया है, और आज जब उसका एनालिसिस होता है, इस बात की चर्चा होती है, अगर वो एक्सप्रेस हाईवे न बना होता तो शायद साउथ कोरिया की सोच न बदलती, और उसने फिर विकास के लिए नई सोच का निर्माण किया। मतलब साउथ कोरिया जैसा छोटा देश ओलंपिक का होस्ट बनता है और उस गेम के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर अपने सामर्थ्य का परिचय करवा देता है और पूरे विश्व को साउथ कोरिया की ताकत के नोट लेनी पड़ती है। डिबेट वहां भी हो सकती थी क्योंकि अभी अभी तो उभर रहे हैं और हम ये ओलंपिक को होस्ट करके अरबों खरबों रुपए का खर्च क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो हौसला बुलंद किया, स्थिति बढ़ाई और उनका एक परिणाम पाया। मित्र चाइना का बॉर्डर देखिए, पूरा चाइना एक साथ समृद्धि को और नहीं गया, लेकिन उन्होंने समुद्री तट पर विशेष करके शांघाई बेल्ट पर फोकस किया, दुनिया के सामने नए चाइना का रूप खड़ा किया।
अगर हाई स्पीड से रेलवे के दुनिया प्रभावित होती तो उन्होंने कहा हम उससे भी ज्यादा हाई स्पीड बनाएंगे, हम विश्व के सामने प्लस वन की अपनी स्थिति पैदा करेंगे। भले एक हिस्सों को उन्होंने पकड़ा, लेकिन पकड़ करके उन्होंने दुनिया के सामने मॉडल के रूप में खड़े हो गए। मित्र, हमारे यहां टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए कुछ साल पहले दिल्ली जयपुर एक ट्रेन चलती थी, महाराजा ट्रेन, क्या नाम था, पैलेस ऑन व्हील। जब ये पैलेस ऑन व्हील भरा था तो बड़ी आलोचना हुई, लेकिन जो समझते हैं कि भाई अगर टूरिज्म को आकर्षित करना है तो कुछ चीजों को लाना पड़ेगा। मित्रों, अंग्रेजों ने शिमला जाने की ट्रेन बनाई, वो ट्रेन न होती तो भी शिमला जाने के लिए रास्ते थे, लेकिन वो शिमला अमेरिका का उस समय के ब्रिटिश लोग डेवलप करना चाहते थे, और उन्होंने उस ट्रेन को इतना ही खर्चीला क्यों ना, सबसे ज्यादा बजट से वो ट्रेन बनी थी। और शिमला की वो छोटी सी ट्रेन आज भी हमारे देश में टूरिस्ट आकर्षण का एक साधन बनी हुई है। यानी पूंजी निवेश कब किया गया, उसका हिसाब कुछ भी था, लेकिन वही चीज आज कन्वर्ट हो गई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी अपनी सोच को एक निश्चित निर्धारित स्थिति पर लाना पड़ेगा। हम इस दबावों में, इस उलझन में, क्या होगा, कैसे होगा, एक आध आर्टिकल आया घबरा गए, और उसी का नतीजा है आज करीब करीब 30-35 साल से हाई स्पीड रेलवे का प्रोजेक्ट ऐसा पड़ा है। और अगर उस 80 में विचार आया और उस समय कर दिया होता तो शायद आज उसी पैसों में से दूसरी 4 हाई स्पीड रेलवे बन गई होती। अब जैसे एयरपोर्ट बनाना है, आज एयरपोर्ट के संबंध में एक साइकिल बनी हुई है। हाँ भाई, एयरपोर्ट तो होना चाहिए, हर छोटे शहर को भी लगता है एयरपोर्ट होना चाहिए। 200 हेक्टेयर भूमि चली जाए, लेकिन होना चाहिए। अब उस पर विवाद नहीं हो रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, विवाद नहीं होता है, लोगों को लगता है हाँ भाई ये एक्सेप्टेबल फैक्ट है। मैं समझता हूं अगर हाई स्पीड के संबंध में भी हम उसी नजरिए और हिम्मत के साथ चलते हैं तो ये सामान्य मानवी को भी लगेगा हाँ बदलते हुए युग में इसकी आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं मानता हूं, मनुष्य को सेफ्टी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, और अनुभव यह आया है पूरे विश्व के रिकॉर्ड कि सामान्य रेलवे से हाई स्पीड रेलवे मिनिमम एक्सीडेंट जोन है, मिनिमम यानी सेफ्टी की मैक्सिमम गारंटी हाई स्पीड ने दी है, क्योंकि वो बनते समय सेफ्टी मेजर्स को सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया है, और उसके कारण कम से कम मानव जीवन का नुकसान होता। तो अपने आप में जैसे कल इलाहाबाद में हुआ, कितनी बड़ी दुखपूर्ण घटना घटी, लेकिन एक बात सही है कि आज नए सिरे से जो चीजें बनेगी और दुनिया के 10-15 देशों के एक्सपीरियंस के आधार पर बनेगी, तब सेफ्टी के संबंध में करीब करीब एक गारंटी वाली व्यवस्था खड़ी हो सकती, जो अल्टीमेटली मानव जात को कारक हो जाता है। विकास के अंदर अगर हम चाहते हैं कि भाई विकास विकेंद्रित होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ग्रो करने की, तो उसकी सबसे पहली आवश्यकता होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क खड़ा करते हैं तो सबको इक्वल ग्रो करने की संभावना मिलती है, और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है ट्रांसपोर्टेशन। मुझे याद है छोटा सा निर्णय, मैं नया नया राजनीति में आया था और हम पहली बार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव जीतकर आए, मैं तो बिल्कुल नया था, अभी तो
समझ रहा था, सीख रहा था क्या हो रहा है सब कुछ। कॉर्पोरेशन हम पहली बार जीते थे, तब तो हमारी कोई असेंबली में भी कोई हमारी ताकत नहीं। एक छोटा सा निर्णय किया था, जो लोग अर्बन डेवलपमेंट मॉडल को स्टडी करते हैं उनको करने जैसा है। और एक छोटा सा निर्णय किस प्रकार से प्रभाव पैदा करता है, वो निर्णय ये किया था कि अहमदाबाद की जो AMTS की बस, लॉन्ग बस, उसको अहमदाबाद सिटी के दायरे से बाहर निकालना और लांभा तक एक्सटेंड करना, गोधावी गुमा तक एक्सटेंड करना, ऐसा काफी चारों तरफ। अब वो अहमदाबाद सिटी के बाहर सारा अधिकार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट का था, और गुजरात सरकार की परमिशन के बिना होना नहीं था। लेकिन अच्छा हुआ कि समय एक मिली जुली सरकार बनी थी, किमन भाई और भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी भी मेरी से मिली, तो निर्णय में सफल सफलता हुई। उसका परिणाम ही आया, जो डेवलपमेंट का पूरा पैसा अहमदाबाद सिटी पर आ रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ AMTS की सर्विस, अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में गोरा गुमा अम्बी भोपाल डेवलप होने लग गया, लाभा का इलाका डेवलप होगा, किशनपुर का डेवलप होने लगा, चांदखेड़ा का डेवलप होने लगा, यानी अहमदाबाद के ऊपर आने वाला प्रेशर डिसेंट्रलाइज होने लगा। क्यों? जस्ट दे गॉट ट्रांसपोर्टेशन। मित्रों, आज हम जितना ज्यादा तेज और सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क देते हैं, उतना ही ज्यादा विकास की संभावना विस्तृत होती है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, और वो ग्रोथ का सही मॉडल वही है, और उसके लिए भी चीजों की आवश्यकता है। ये बात भी सही है, एक ही प्रकार के संसाधनों से काम नहीं चलेगा, और इसलिए ट्रांसपोर्टेशन को भी एक होलिस्टिक व्यू देने की आवश्यकता मुझे लगती है। और समय की मांग है कि जल थल और नल, जमीन पे चलने वाले यातायात हो, चाहे रोड हो, रेल हो, पानी में होने वाला यातायात हो या हवाई आकाश यातायात हो, जल थल नल सभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अंडर वन अम्ब्रेला हमें कभी न कभी लाना होगा, और एक दूसरे को हमने पूरक होना होगा। अगर हम एक दूसरे के साथ पूरक होते हैं, अब जैसे हम भारत के लोग भगवान है कि पूरा साउथ हमारा समुद्री तट से जुड़ा हुआ है, अगर हम जल प्रवाहन को उपयोग करके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मैक्सिमम उपयोग करते हुए उधर कोलकाता से निकल रहे हम मुंद्रा तक एक व्यवस्था को अगर हम विकसित करते हैं, तो हम जरूर एक नए क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं। अब जब जैसे हम अभी रो फेरी सर्विस करने शुरू करने जा रहे हैं दहेज टू घोघा, मुझे विश्वास है कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात को जोड़ने में ये मोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो हम ये मल्टीपल व्यवस्थाओं को कैसे खड़े उपयोग में लाए, और इसलिए गुजरात में माता प्रोजेक्ट को मल्टी मॉडल अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक मॉडल माता प्रोजेक्ट करके हमें इवॉल्व कर रहे हैं, इसके साथ चलिए। मैं कभी सोचता हूँ कि दुनिया का लॉन्गेस्ट नर्मदा कैनाल नेटवर्क है हमारे पास, हमारी कैनाल जो मेन कैनाल है उसकी साइज भी बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आज से 30-40 साल पहले हिम्मत के साथ ये निर्णय किया गया होता कि इस नर्मदा कैनाल जो मेन है जो करीब 400 किलोमीटर की है, उसकी रचना अगर ऐसी हुई होती कि जो गुड ट्रांसपोर्ट का भी अंदर काम चलता पानी के साथ साथ, आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा बेनिफिट होता, कितना एनर्जी सेविंग होता, कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट होता। लेकिन वो ऐसे 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 बनी हुई है, और कई जगह पे इतने बैरेजेस हैं कि पीछे से भी कुछ ले जाना मुश्किल है। खैर, अब मैं किसी की आलोचना करने नहीं आया हूँ यहाँ, उस समय के जो हालात होंगे, अगर मैं भी होता तो शायद कोई उससे जो अलग कर पाता, ऐसा मैं नहीं कहता, इसे मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन भविष्य के लिए मैं सोचता हूँ
जैसे मैं मेरे मन में विचार आता है, मैं नहीं जानता हूं वो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कितने कानूनी प्रॉब्लम होंगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी दमन गंगा है वापी के पास, भरपूर पानी है उस नदी में, समुद्र में पानी रहता है और नेचुरल ग्रेविटी से वो पानी अहमदाबाद साबरमती तक आ सकता है। अगर मान लीजिए हम दमन गंगा से लेकर के अहमदाबाद तक एक बहुत बड़ी कैनाल बनाते हैं और नेचुरल ग्रेविटी से पानी आता है और उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था खड़ी करते हैं, कम से कम गुड्स को लाने की व्यवस्था करते हैं, कितना हो सकता है। उसी प्रकार से हाई स्पीड रेलवे अगर बनानी है तो नीचे मानो दमन गंगा का पानी जा रहा है और ऊपर एलिवेशन के साथ अगर हमारी हाई स्पीड रेलवे जाती है तो क्या बनता है। मित्रों, हम अगर एक विजन के साथ चीजों को जोड़ करके उतने ही रुपये लगा करके हम कितनी व्यवस्थाओं को विकसित कर सकते हैं। और मुझे BRTS के बाद मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर हमारी संकल्प शक्ति हो, विजन हो, साउंड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम हो, नो हाउ हो, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और करेक्ट कर सकते हैं। और BRTS गुजरात का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, यूनाइटेड नेशन ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया है। अब हम मेट्रो की ओर जा रहे हैं, लेकिन मेट्रो में भी हम विद इन सिटी तक रहने के बजाय हम गांधीनगर के साथ जोड़ना चाहते हैं, हम धौलेरा के साथ जोड़ना चाहते हैं और उसकी स्पीड के संबंध में भी हम हाई स्पीड के नेटवर्क के साथ उसको जोड़ना चाहते हैं। न तो सिर्फ मुंबई अहमदाबाद पुणे कॉरिडोर नहीं, हम ट्विन सिटी कंसेप्ट को विकसित करना चाहते हैं राज्य में, सूरत और नवसारी, अहमदाबाद गांधीनगर, सोमनाथ वेरावल, सुरेंद्रनगर वढ़वान, वडोदरा हालोल, अगर इनके बीच में अगर एक परफेक्ट फ्रीक्वेंट और स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनती है तो नेचुरली एक ट्विन सिटी डेवलप होने ही होने, और इसलिए हम फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर डेवलपमेंट, फ्यूचर सुविधाएं उसको ध्यान में रखते हुए हमारी इन व्यवस्थाओं को अगर विकसित करते हैं बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। मैं रेलवे से भी आग्रह करूंगा, जैसे मेरा अहमदाबाद शहर है, शहर के मध्य से कितनी बड़ी जगह रेलवे के पास और कितनी बड़ी रेलवे लाइन पड़ी, दिन में 3 या 4 ट्रेन जाती है, क्यों ना हम उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए उपयोग। कई कई बार विचार आए लेकिन विचार की जगह पर रह गए, लेकिन अगर हिम्मत के साथ कोई निर्णय करें तो बहुत बड़ी हम सेवा कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारे पास है, हम उसका सर्वाधिक उपयोग कर सकते हैं। तो अपने आप में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर सुरक्षित व्यवस्था आज भी रेलवे मानी जाती है और उसमें भी हाई स्पीड रेलवे की व्यवस्था और सेफेस्ट बनी हुई है। मुझे विश्वास है कि जापान का नो हाउ, जापान की टेक्नोलॉजी और भारत के इस महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि वाले सेक्टर पर यह हाई स्पीड नेटवर्क बनता है। और हमने हमेशा कहा है गुजरात तो वैसे भी पायनियर रहा है, गुजरात भी है जिसने प्राइवेट रेलवे की शुरुआत की, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल गुजरात ने दिया है, हम ही है जिसने पहली बार दुनिया में पिपावाव को भटिंडा डबल डेकर कंटेनर गुड ट्रांसपोर्ट की सेवा की शुरुआत की है। तो गुजरात के पास वो पोटेंशियल है, गुजरात के पास वो हौसला भी है और मैं आग्रह करूंगा कि दिल्ली में इसका एक सेमिनार हो चुका है, आज गुजरात में हो रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में गुजरात के रोल को जापान ने भी देखा है, गुजरात ने भी, दुनिया ने भी देखा है, हिंदुस्तान ने भी देखा है। और हम आशा करते हैं कि इस बार जो बजट भारत सरकार का है उस बजट में इसका सीरियसनेस रिफ्लेक्ट हो, उस बजट के अंदर हाई स्पीड रेलवे के लिए कोई ना कोई व्यवस्था हो तो अपने आप चीजें जुड़ेगी। और अगर एक बार भारत सरकार इनिशिएटिव लेती है गुजरात कहीं पीछे नहीं रहेगा, हम कंधे से कंधे मिला करके भारत के लिए
गौरव देने वाला कि हाई स्पीड नेटवर्क की शुरुआत अगर होती है और उस पर गुजरात को अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा, गुजरात कोई कमी नहीं रखेगा, हर प्रकार के लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, जो भी बातें हैं हम जरूर करेंगे। और मैंने प्रारंभ में कहा था कि गुजरात है जिसने हिंदुस्तान के रेल नेटवर्क के प्रारंभ में पसीना बहाया था, गुजरातियों ने बहाया था, हमारे पास वो स्किल थी। फिर एक बार आधुनिक रेल की दुनिया में प्रवेश करते समय अगर गुजरात पसंद होता है तो गुजरात को उसमें कंट्रीब्यूट करने में बहुत गर्व होगा। मैं इस सेमिनार को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे विश्वास है कि हम जिस हेतु से इस सेमिनार को कर रहे हैं, सभी स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट करना, सेंसिटाइज करना, हाई स्पीड के लिए स्पीड बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है कि हम हाई स्पीड के लिए स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि हाई स्पीड के लिए 80 से अब तक का इंतजार जरा ज़्यादा ही हो गया है। तो हाई स्पीड तब सफल होगा जब हमारा निर्णय प्रक्रिया स्पीडी होगी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।